gonna be a long night. फिर से वही लोकेशन है और यानी छोटी सी एक वीडियो है, छोटा सा एक मैंने जुगाड़ किया हुआ है। तो मेरे को काफ़ी टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी सॉकर्स में, रियर सॉकर में, क्योंकि डस्ट बैठ जाती थी बहुत ज़्यादा, ऑफ रोडिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जाती थी। तो उसके लिए मैंने छोटा सा एक जुगाड़ किया हुआ है और आप लोग भी अगर करना चाहो तो आप लोग भी कर सकते हो, इतना बड़ी चीज़ नहीं है, 50-100 रुपये की चीज़ होगी, वो भी मेरा तो फ्री में काम हुआ है, आप देख लेना, आप भी फ्री में कर सकते हो। बाकी 50-100 रुपये की चीज़ आपको बाहर से मिल जाएगी, वो वैसे भी लगा सकते हो, किसी भी मरगाड़ का आप लगा सकते हो। मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है, ये चीज़ आपको दिख रही होगी, ये फेंडर टाइप में कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर ना, ये फेंडर टाइप में कुछ दिख रहा होगा, ये मैंने फिट किया हुआ है, देखो ये सॉकर को बचा देता है यहाँ से, ये जो कीचड़ आती है ये देखो अभी हल्का फुल्का है, इतना नहीं है लेकिन इतना भी नहीं पहुँचना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी तो चलती है, ठीक है। यहाँ से जो था ना पूरा ये वाला टायर पूरा इसका डस्ट फेंक के यहाँ डालता था पूरा पूरा सॉकर में। ये छोटा सा जुगाड़ किया हुआ मैंने, तो ये छोटा सा जुगाड़ है ऐसा कि मैंने जो इसका बैक फेंडर होता है ना, बैक फेंडर में हटा रखा है, आपको दिखा रखी मैंने कि MX बना रखा है, मैंने MX पूरा टेल टैडी बना रखी पीछे से। तो जो मेरा बैक फेंडर था, बैक फेंडर के जो मरगार्ड होता है, मरगार्ड बोलते हैं बैक फेंडर, क्या बोल रहा हूँ मैं, मरगार्ड बोलते हैं, मरगार्ड जो होता है, मरगार्ड के नीचे जो होता है जो मड को ऊपर आने से बचाता है, तो मैंने कट करके यहाँ पर लगा रखा दो स्क्रू से। तो स्क्रूज आपको दिख रहे होंगे, एक स्क्रू वहाँ दिख गया आपको और एक स्क्रू यहीं कहीं पर होगा, ठीक है, दो स्क्रू से लगा रखा है। तो आप बाहर से भी एक प्लास्टिक का फ्लैट टाइप में भी ले सकते हो, या पुराना किसी का मरगार्ड होगा आपके पास वो भी ले सकते हो, उसको भी कट करके यहाँ पर लगा सकते हो, ऐसा जुगाड़ टाइप में लग सकता है आराम से, और आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा मड को बचाने में आपके सॉकर पे, तो आपके सॉकर पे इतना ज़्यादा मड नहीं जाएगा। बाकी पीछे से और लुक सेक्सी आती है ये लगने के बाद, देखो देख रहे हो, यहाँ से सॉकर नहीं देख रहा लेकिन आपको पता लग रहा है पूरा। अब बाकी ये टायर भी मैंने चेंज किया हुआ है, तो इस टायर की भी जल्दी वीडियो आएगी तो उसकी भी देख लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, छोटा सा जुगाड़ मैंने आपके साथ शेयर कर रहा था। तो अगर किसी को करना हो, कोई मेरे से आइडिया ले सकता है कि कैसे कैसे करना है, मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकता है। बाकी इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नए हो, और शेयर कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास एक्सपल्स 4V या 2V दोनों हैं, उनके साथ शेयर कर देना, तो उनकी भी मदद हो जाएगी और मेरी भी मदद हो जाएगी। बाकी और भी रिलेटेड वीडियोज़ आती रहेंगी, चैनल पर कंटिन्यू रहना और कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।